नमस्कार स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति में एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 है, तो हमें ये बताना है कि वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ क्रमश एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई त्रिभुज एक्स वाई जेड के समद्विभाजक हैं। तो ओ जेड वाई और ओ वाई ओ जेड का वाई ओ जेड का मान ज्ञात कीजिए। आपको इतना पोर्शन जो आपके क्वेश्चन में दिया है वो मैंने लिख दिया, क्या ज्ञात करना है वो बता दिया गया। अब आप इसका सॉल्यूशन देखें। आप सबसे पहले आ जाएं त्रिभुज एक्स वाई जेड में, आपके पास एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई यहाँ पर आना है और 180 डिग्री यहाँ पर आप लिख दीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग ये आपने लिख दिया। अब एंगल एच जो है वो 62 डिग्री का है, एक्स वाई जेड जो है वो 54 डिग्री है, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4 2 6 6 5 11 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180। एंगल एक्स जेड वाई 180 माइनस 116, एंगल एक्स जेड वाई 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, यहाँ पर 7 बचा, 7 से 1 गया, कितना हो जाएगा इस एंगल का जो मेजर होगा टोटल वो हो जाएगा 64 डिग्री। अब देखें एक्स जेड वाई हो गया, आपको ज्ञात क्या करना है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड और दूसरा आपको ज्ञात करना है वाई जेड ओ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल वाई जेड ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई एंगल का 1/2 एक्स जेड वाई कितना जाएगा 64। तो ये एंगल जो होगा इसके बीच का एंगल यहां से यहां तक ये 32 जाएगा। अब आप आएंगे एंगल, यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ओ जेड वाई, ओ जेड वाई में आप आ जाएंगे या एक्स यहां पर वाई ओ जेड जी, त्रिभुज वाई ओ जेड लिख दीजिए, वाई ओ जेड में, वाई ओ जेड में आपको एंगल ओ वाई जेड भी जानना है, तो ये भी 1/2 ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड यहाँ पर 1/2 एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री का है, तो ये एंगल जो जाएगा 27 का जाएगा, ये एंगल 27 डिग्री का जाएगा। अब आप लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज यहाँ लिखा ही है, अब यहाँ पर आप लिखिए ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस, ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल जाएगा, एंगल ओ वाई जेड कितना होएगा 27 आया, एंगल ओ जेड वाई 32 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, 7 2 9 3 2 5 59 एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 5 2 एंड 1 एंगल वाई ओ जेड ये वैल्यू आ गई 121। आपको एंगल वाई जेड ओ चाहिए था, एक आंसर आपका ये और दूसरा ये।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल के द्वारा आप पहले ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लीजिए, एक्स वाई जेड एंड वाई जेड एक्स या एक्स जेड वाई रख करके, फिर इसका हाफ समद्विभाजक बताया गया है कि समद्विभाजक है ये आपको दिया हुआ है, तो इसका हाफ हो जाएगा 54 का हाफ, 64 का हाफ कर लीजिए। इस एंगल में आप आ जाएंगे, यहाँ पर इन तीनों एंगल्स को प्लस करें और एंगल वाई ओ जेड आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कीजिए और पिछले क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके उन क्वेश्चंस की स्टडी भी भली भांति कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।